नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के आज के इस नए वीडियो में। भारत सरकार ने चीन पर एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक किए, वो भी डिजिटल तरीके से। भारत सरकार ने चीन के 54 ऐप्स बंद कर दिए हैं, जिसमें कि ऐसे भी ऐप्स शामिल हैं जो कि भारत में बहुत पॉपुलैरिटी वाले थे। जैसा कि 1 से 1.5 साल पहले कई सारे ऐप्स 200 से ऊपर ऐप्स बंद कर दिए गए थे, जिसमें पबजी शामिल था, टिकटॉक शामिल था और यूसी ब्राउजर शामिल था, क्लीन मास्टर शामिल था। ऐसे बहुत सारे पॉपुलैरिटी वाले ऐप शामिल थे जो कि भारत में बहुत बड़ा मार्केट बना चुके थे, लेकिन भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया था। और ये केवल और केवल किया गया था चीन के गलत कामों की वजह से। दरअसल चीन इन ऐप्स को डेवलप करता है और जो यूज़र भारत में इन ऐप्स को डाउनलोड करता है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन जो मेन डेटा या ऐप डेवलपर होता है उसके पास टोटली ट्रांसफर हो सकता है। तो इस बार पकड़ा गया है चीन का गलत काम करते हुए कि चीन वो सारे इन्फॉर्मेशन, वो सारा डेटा यूजर का ले ही रहा था, लेकिन इसके साथ एक बड़ा काम कर रहा था कि वो सारा डेटा यूजर्स का भारत के वो अन्य देशों में भेज रहा था, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए अब चलते हैं स्क्रीन पर और वो सारे लिस्ट देखते हैं कौन कौन से 54 ऐप्स बैन कर दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने ये सारी लिस्ट है जितने भी ऐप्स बैन कर दिए गए हैं भारत सरकार द्वारा, जो कि टोटल और टोटल 54 ब्लॉक्ड चाइनीज ऐप्स की ये लिस्ट है। इसमें पहला है ब्यूटी कैमरा स्वीट सेल्फी HD, ये भी बहुत ही पॉपुलर ऐप था, आप सभी को मालूम ही होगा। और ब्यूटी कैमरा भी बहुत ही पॉपुलर ऐप था। और इसी तरह इक्वलाइजर, म्यूजिक प्लेयर, वीडियो प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर, जितने भी ऐप्स हैं ये सारे बंद हैं। आइसोलैंड 2, एसेज ऑफ टाइम लाइट, ये सब सारे गेम हैं। वीवा वीडियो एडिटर, स्नैक वीडियो मेकर विद म्यूजिक, ये भी वीवा वीडियो एडिटर बहुत फेमस था इंडिया में, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो एडिटर था और ये इस समय तब बहुत ही पॉपुलर भी हुआ था वीडियो एडिटिंग में भी, और यूट्यूब के वीडियो के लिए भी बहुत हेल्प होता था, लेकिन ये अब बैन हो चुका है। और इसी में कई सारे ऐप्स जितने भी आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं, एपलॉग, टेंसंग ड्राइवर, ड्यूअल स्पेस प्रो, ड्यूअल स्पेस, ये सारे ऐप्स बंद हो गए हैं। ये पूरी लिस्ट है जितने भी ऐप्स बंद किए गए हैं, 54 ऐप्स की लिस्ट है। और इसमें मेन मेन ऐप्स की अगर हम बात करें तो ये है लीवा कैम वॉइस रिकॉर्डर एंड वॉइस चेंजर, और ये MP3 कटर, और ये रियल लाइट, विंक, ट्विलाइट पायोनियर्स, ये सारे कुछ मुख्य ऐप है। और सबसे मेन जो ऐप है वो ये है गरीना फ्री फायर इल्यूमिनेट, ये सबसे मेन ऐप है, सबसे ज़ोरदार ऐप है, सबसे पॉपुलैरिटी वाला ऐप है जो कि बैन हो गया। ये सबको पता है कि गरीना फ्री फायर बहुत ही फेमस था। इससे पहले जब पबजी बैन किया गया था तो फ्री फायर, एक्चुअली पबजी और फ्री फायर दोनों लगभग एक जैसे गेम थे, तो पबजी बैन हो गया था तो जितने पबजी के प्लेयर्स थे वो सारे फ्री फायर पे आ गए थे। अब इसको भी बैन कर दिया गया है, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन होते हैं। जब गवर्नमेंट बैन कर देती है तभी गूगल पे इसको अपलोड कर दिया जाता है और गूगल से लोग इसको चलाते हैं, लेकिन उतना क्रेज़ नहीं रह जाता। जैसे कि पिछली बार पबजी बैन हुआ था तो पबजी भी बैन हुआ, लेकिन जब गूगल पे फिर से आ गया, प्ले स्टोर पर नहीं आया, गूगल पे आ गया, तब भी उतना क्रेज़ नहीं रह गया जब बैन होने से पहले था। तो ये भी इसी तरह ये भी बैन हो गया, तो अब इसका भी क्रेज घट जाएगा, उतना क्रेज़ नहीं रह जाएगा। और ये रियल लाइट ऐप है और ये गरीना फ्री फायर सबसे मुख्य ऐप जो कि बैन किया गया है। यही कुछ आपके सामने यहाँ पर सारे ऐप्स की लिस्ट है जिसको कि बैन कर दिया गया है। तो इसमें मुख्य ऐप दो थे, टेंसेंट ड्राइवर और एक और एक कोई चाइनीज़ ऐप था, और ये गरीना फ्री फायर। तो आपने देखा कि कौन कौन से 54 ऐप्स भारत सरकार द्वारा चीन के बंद कर दिए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से अलीबाबा शामिल था, फ्री फायर शामिल था और ऐसे ही बहुत सारे ऐप शामिल थे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो। चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।